कर्नाटक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के नेता एवं विधायक डीजेड जमीर अहमद खान से जुड़े 5 स्थानों पर मंगलवार को छापेमारी की। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि छावनी रेलवे स्टेशन के पास खान के आवास सिल्वर ओके अपार्टमेंट में एक फ्लैट, सदा शिव नगर में एक अतिथि गृह, बनशंकरी में जीके एसोसिएट्स के कार्यालय और शहर के कला सिपलिया में नेशनल ट्रैवल्स के कार्यालय में छापे मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि एसीबी के दल दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और जांच जारी है। एसीबी के कई दल 4 बार विधायक चुने गए खान से जुड़े 5 स्थानों पर पहुंचे। खान पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल अगस्त में खान और एवं अन्य पूर्व मंत्री आर रोशन बैग के आवासों पर 4,000 करोड़ रुपए की IMA पोंजी योजना से कथित संबंध को लेकर छापा मारा था। ऐसा बताया जाता है कि इस योजना के जरिए हजारों लोगों को ठगा गया था, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे। खान ईडी के सामने कई बार पेश हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।